और इसी बीच ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए ये कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, जीत चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में, अभी तक आगे चल रहे थे लेकिन अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी बचा रह गया है। बताया यही जा रहा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, खड़गे ने थरूर को हरा दिया है, माफ कीजिएगा शशि थरूर को हरा दिया है और ये बड़े अंतर के साथ हराया है। औपचारिक ऐलान हालांकि होना बाकी है लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चुनाव जीत लिया है और शशि थरूर काफी पीछे रह गए थे, काफी कम वोटों से वो क्या 9800 है और अभी जो हम आंकड़ा बता रहे हैं उसकी तुलना में अब कुछ होना बाकी नहीं। लाइन से भी नोट पाके खड़गे साहब निर्णायक विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनको 1000 के आसपास वोट मिला है, आठ गुना वोट हमें ज्यादा मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे अगले अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के, इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया, निर्णायक जीत। तो मल्लिकार्जुन खड़गे खेमे के जो तमाम नेता इस वक्त आप देख रहे थे साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि 8 गुना ज्यादा वोटों से उन्होंने थरूर को हराया है और इसको लेकर जश्न भी शुरू हो गया है, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा और थरूर ने अपनी हार मान भी ली है और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दे दी है। बिल्कुल, और इसके पहले आप सुन रहे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो लोग इकट्ठा हुए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, पीछे से आपको ढोल नगाड़े बजने की धुन सुनाई दे रही थी, हाथों में गुलदस्ता लिए, जरूर कांग्रेस के अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये गुलदस्ता हाथों में लिए लोग खड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबर, मात्र औपचारिक ऐलान बाकी बचा रह गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का, ये जो चुनाव हुआ था उसमें बाजी मार ली गए मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि ये कोई अचंभित करने वाली खबर है नहीं, शुरू से ही पता था कि अध्यक्ष अगले मल्लिकार्जुन खड़गे बनने जा रहे हैं, अब सिर्फ ऐलान बाकी।